पीएम मोदी ने इंदौर स्टाइल में कहा, अपन इंदौर, अपन का इंदौर, ऐसा कहना देश ही नहीं दुनिया में लाजवाब है। इंदौर बस एक शहर नहीं, एक दौर है और अद्भुत शहर है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की तारीफ की। पीएम मोदी हुए इंदौर के मुरीद, इंदौर से है देश को बड़ी उम्मीद। जी हाँ, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर को लाजवाब बताया। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। तो इंदौर को प्रधानमंत्री ने एक नया दौर बताया, साथ ही प्रवासियों के लिए पीएम ने क्या कहा ये सुनिए। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। इंदौर ने प्रवासी भारतीयों के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया, क्योंकि इंदौर में हो रहा ये इवेंट ना सिर्फ इंदौर बल्कि ब्रांड इंडिया की छवि को भी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएगा, और ये काम करेंगे प्रवासी भारतीय। यही वजह है कि सम्मेलन में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रदूत कहकर भी संबोधित किया। मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। बहरहाल इंदौर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन कई मायनों में अहम है। एक तरफ प्रवासियों से जुड़ने से भारत की ब्रांडिंग मजबूत होगी, वहीं मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो ब्रांड इंदौर की छवि आर्थिक मोर्चे पर राज्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। वहीं सियासत की बात करें तो ये साल यानी 2023 चुनावी साल है, ऐसे में सत्ताधारी दल भी हर छोटे बड़े इवेंट को पॉलिटिकली कैश कराने की कोशिश जरूर करेगी। प्रधानमंत्री आज जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने प्रवासियों को संबोधित करना शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपनों से बातचीत का और अपने देश में बातचीत का एक अलग ही महत्व होता है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि भारत के युवा के पास में स्किल है, जज्बा है और ईमानदारी है, और ये भारत के विकास की इंजन साबित हो सकती है। स्किल को लेकर उन्होंने कहा कि आज हमारे युवाओं के स्किल के पास जो स्किल है वो किसी और देश के पास नहीं है। भारत बहुत तेज़ी से बदल रहा है, भारत बहुत तेज़ी से विकास भी कर रहा है। अगर हम स्किल की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, तो सब कुछ यहाँ पे नजर आया भारतीय प्रवासी सम्मेलन में। और एक डिजिटल एग्जीबिशन का भी उन्होंने शुभारंभ किया जिसमें तमाम महापुरुषों को दर्शाया गया, और उसके अंदर सब कुछ डिजिटल था, यानी जो हमारी नए टेक्नोलॉजी है, जो हमारी आधुनिकता है, वो सब कुछ नजर आया। तो जिस स्किल की प्रधानमंत्री बात कर रहे थे वो स्किल यहाँ नजर भी आई। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर। अब इसमें खबर तो यह है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अलग पहचान साबित की है। खाने पीने के मामले में इंदौर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाजवाब है। यहाँ पोहे का पैशन, कचोरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुक सका। जिसने इसे चखा उसने कहीं मुड़कर नहीं देखा। 56 दुकान, सराफा प्रसिद्ध है। कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। पीएम ने कहा कि उन्हें यकीन है कि प्रवासी भारतीय यहाँ के अनुभव नहीं भूलेंगे, औरों को भी यहाँ आने को भेजेंगे।